बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चने। चिकन चने बनाने के लिए हमने एक मुर्गी ले ली है, ये 1 kg से भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी चिकन इसका। तो एक पाव मैंने चने ले लिए हैं, इसको मैंने पूरी रात तकरीबन भिगोए रखा है और सुबह मैंने इसको गला लिया है। ये मैंने योगर्ट ले लिया है, ये आधी प्याली है, और एक मैंने छोटा टमाटर काट के ले लिया है, और ये मेरे पास है इसका मिक्स गरम मसाला, ये 1 tablespoon है। और उसके साथ ही मेरे पास जो ड्राई मसाले हैं उसमें ये हल्दी है मेरे पास 1 teaspoon, नमक है 1.5 teaspoon के बराबर नमक है, क्योंकि चने में हमारा नमक डला हुआ है और ये सिर्फ चिकन के लिए है। तो ये कुटी हुई लाल मिर्ची 1 tablespoon है, ये हमारे पास पेपरिका पाउडर है, इससे थोड़ा कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी। तो ये मैंने 1/2 teaspoon ली है पेपरिका, और साथ ही मेरे पास प्याज है, एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज काट ली है। एक मेरे पास लेमन है, इसका मैं जूस इस्तेमाल करूँगी। 4 मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली है, और 2 tablespoon के करीब मेरे पास है लहसुन। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं, अभी हम बनाएंगे। ये 200 ml तक मैंने ऑयल डाला है, पहले ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। तो ये मैंने प्याज डाल दिया, ये प्याज को हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं हमने करना, लाइट गोल्डन हम करेंगे, और उसके बाद हम इसको पेस्ट इसका बना लेंगे। बस ये हमारा प्याज तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको पेस्ट इसका बना लेंगे। बस ये हमारा प्याज हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे और हम इसको पेस्ट इसका बना लेंगे। ये हम ऑयल हमारा वैसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ प्याज हम निकाल लेंगे। ये बाकी जो हमारा ऑयल था उसी में हमने लहसुन डाल दिए है, लहसुन डाल के तो हमने इतना ही बस कुक करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए, हमने इसको ब्राउन नहीं करना लहसुन को। ये हमारी इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आई है, बस अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये हमने चिकन सारा इसमें डाल दिया है, और जैसे ही हमारा चिकन इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो इट्स मीन कि इसका इसने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारा अपना पानी चिकन छोड़ चुका है, कलर भी चेंज कर चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। हमने इसमें सुरख मिर्ची डाल दी है कुटी हुई, और हमने नमक डाल दिया इसमें, और हमने इसमें और हम हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे सारी। ये जो हमने कलर के लिए रखी थी अपनी पेपरिका पाउडर, पेपरिका मिर्ची, उसको हम थोड़ा सा आखिर में जाके
यूज़ करेंगे, अभी नहीं हम डालेंगे। ये हमने सब्ज़ मिर्ची कुछ डाली है काट के, और ये जो हमने अनियन का, ब्राउन अनियन का हमने बनाया था गोल्डन का पेस्ट, ये भी मैंने डाल दिया। अब मैं स्टेज पे साथ ही चने डाल दूंगी ताकि हमारा चिकन और चने जो हैं वो अच्छी तरह इकट्ठे कुक भी हों, और सारे स्पाइसेस भी उसमें, चिकन में भी उसका जायका आ जाए और चने में भी। चने मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खिलाए हैं, थोड़ा सा मैंने खड़े खड़े रखे हैं ताकि ये अच्छा सा इसकी भुनाई हो सके। अगर मैं बहुत ज़्यादा गला देती तो वो भूनने के साथ साथ ही उसने बहुत ज़्यादा मैश हो जाना था भूनते भूनते, तो मैंने थोड़े से खड़े रखे हैं। अब मैं इसमें जो हमने, जब ये पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो जो हमने टमेटो एक लिया हुआ था मैं उसका भी पेस्ट बना के डालूंगी, साबुत मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, पेस्ट उसका बना के डालूंगी, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। ये अब मैंने टमेटो जो एक मैंने लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, वो मैंने साथ में डाल दिया है। चिकन और चने हमारे भुन रहे हैं, ये मैंने लेमन का रस निकाल के डाल दिया है, और साथ ही मैं जो मेरे पास दही था वो भी मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी, कोई 10 से 12 मिनट तक तेज़ आंच पे, तो ताकि ये हमारी सारी जो स्पाइसेस और सारी चीज़ें हैं उसका, और दही का और सारा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह चिकन और चने में अब्सॉर्ब हो जाए। तो इसकी मैं तेज़ आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट तक इसको भून लूँगी। ये हमारा भुनाई होते हुए मुझे कोई 6-7 मिनट हो गए हैं। जब आप देखें कि आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, आप हल्का सा उसमें पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसकी भुनाई 8-10 मिनट तक करनी है ज़रूर, फिर ही चिकन चने का असल टेस्ट आता है। अगर आप इसकी भुनाई बहुत कम करेंगे तो इसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने ऑयल इसलिए पहले थोड़ा डाला है कि ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी, फूड कलर हल्का सा उसमें डालूँगी ऑयल में, और पेपरिका डालूंगी। आप बेशक पेपरिका अकेली भी डाल लें तो कलर अच्छा आ जाता है, फूड कलर ना भी डालें तो, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूंगी थोड़ा सा तेज़ कलर करने के लिए। वैसे भी
अगर आप इसकी 8-10 मिनट तक भुनाई करते हैं तो इसका वैसे भी तरी इसकी अच्छी आ जाती है, कलर इसका अच्छा बन जाता है भुनाई के साथ ही। लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर बनाने के लिए मैं इसका बघार भी लगाऊंगी ऑयल का। बस भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें जितना हमने पानी डालना है उतना हम पानी डाल लेंगे। जितना आप इसको थिक रखना चाहते हैं, जितना आप इसको पतला रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसमें छोटे 2 गिलास पानी में डालूंगी। बस ये मैंने 1.5 डाला, तो इसको अभी मैं ढांप दूंगी और तकरीबन मैं हल्की आंच पे इसको 10 मिनट तक ढांपूंगी ताकि इसका पानी पूरा अपना खुश्क हो जाए और इसका फ्लेवर भी आ जाए सारा इसमें। तो उसके बाद मैं इस पे बघार लगाऊंगी। आंच मैंने स्लो कर दी है। ये हमारे चिकन चने हमने 10 मिनट लगाया है, इसको दम पे रखा है और 10 मिनट के बाद ये हमारे चने रेडी हो गए हैं तकरीबन। बस अभी हम इसको बघार लगाएंगे ताकि इसमें कलर भी अच्छा सा आ जाए और तरी भी अच्छी आ जाए। ये हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, कोई 3-4 टेबलस्पून होगा। तो इसमें हमने मैंने ये जो मेरे पास था पेपरिका, और उसमें मैंने 1 पिंच फूड कलर डाला है, ये हम करेंगे। लेकिन हमने इसका इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको हमने बस 1 मिनट के कोई 1/4 हिस्से तक हमने इसको गरम करेंगे। बस हल्का सा गरम हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए हमारा कलर आ रहा है इस पर, और ये हमारा हो रहा है। बस हमने इससे ज़्यादा नहीं करना, अब हमने इसको उतार लेना है और सालन में डालना है। ये देखिए ये हमने डाल दिया है। ये डालने के बाद जनाब हमारा ये अच्छा सा कलर भी इसका आ रहा है और इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। ये तैयार हैं हमारे मज़ेदार चिकन चने। चिकन चने आप बहुत मज़ेदार ये बने हैं, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने जो गरम मसाला रखा था वो हमने ऊपर कुछ डाल दिया है और अभी कुछ मैं डाल रही हूँ। ये हमने बिल्कुल उतारने के बाद हमने डाला है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।